सो फाइनली वी हैव रीच्ड उडुपी बस स्टेशन। सो टाइम हो गया है 7:10। तो हमने एक होम स्टे बुक किया है नियर मैलपे बीच, तो अब वहीं जा रहे हैं। ऑटो हमने बुक कर लिया है, तो ऑटो में बैठ के अब हम सीधा जा रहे हैं अपने होम स्टे के पास। जैसे होटल वाले से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ऑटो करके आप आ जाएं, और ही टोल्ड अस कि 4 से 5 किलोमीटर है फ्रॉम दी बस स्टैंड उनकी जो प्रॉपर्टी है। बाकी मैं कॉस्ट आपको बाद में बताऊंगा कितने में हमने बुक किया है। एक बार हम देख लें प्रॉपर्टी कैसा है, पसंद आता ही नहीं आता। और प्लस पॉइंट क्या है, मैलपे बीच के बिल्कुल पास है ये, है ना, वॉकिंग डिस्टेंस पे है मैलपे बीच। तो अगर हमें अर्ली मॉर्निंग बीच साइड घूमना भी है तो आराम से जा सकते हैं वहाँ से। बहुत ज़्यादा यू कैन से कि ठंड नहीं है, जैसे कुर्ग में था वैसा मौसम नहीं है यहाँ। तो ये जहाँ हम स्टे करने जा रहे हैं उसके एंट्री गेट है, आप देख सकते हैं, राइट। और ये मैलपे बीच से सिर्फ 0.5 किलोमीटर अवे है, 500 मीटर। अच्छा, ये ऑफिस ये रहा। तो उडुपी से आना पड़ता है ना इधर? अच्छा, मुश्किल होगा। इधर ये मिलता है? हाँ, इधर मिल जाए नहीं है तुम्हारे के लिए कॉस्टली हो जाएगा। हाँ हाँ, हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। यहाँ से तो मिल ही जाता है। कितना चाहिए? अच्छा, 18,000 है उडुपी में ऑटो रिक्शा। अच्छा, 18,000 पॉपुलर डेस्टिनेशन है। आपका शुभ नाम अंकल? मेरा नाम अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद, ओके, ठीक है अंकल, धन्यवाद। ओके, ठीक है, चलें। आप? मेरा भरत है। भरत है? हाँ जी। तो आप कहाँ से हो वैसे? मैं एक्चुअली नेपाल से हूँ, अभी इधर ही पैदा हुआ हूँ, इधर रहता। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, वैसे फैमिली नेपाल से है, पर आप यहाँ से? मैं यहीं पे रहता हूँ, अभी मेरा इधर ही अपनी खेती है। अच्छा, अपनी खेती है? अरे वाह, ये खेती है। अरे क्या बात है, क्या बात है, नाइस। आप पहले, अभी तक जब से कर्नाटक घूम रहे पहले इंसान मिले हमें नेपाल या कहीं और से, वरना सब ज़्यादातर लोकल ही मिले हमें यहाँ। हाँ, 10 साल हो गया। बाइक की तरह रखते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया है। तो ये हमारा, अच्छा ये विला टाइप आप लोगों ने बना रखा है, मैं बाहर से एक बार दिखा दूँ फिर से। हाँ, ये जो लाइटें हैं वो अलग से, इसको जो वर्क है ना, इसको अलग से दिखा रखा है, राइट। और प्लस ये जैसे बना रखा है कंस्ट्रक्शन, वो भी अच्छा है ना, राइट। और छत पे भी हम जा सकते हैं, बढ़िया है। सुबह देखेंगे छत पे जाके कैसा व्यू रहता है, देख के दिल खुश हो गया है। ये एकदम, हमने वैसे ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था ऑनलाइन, तो हमने ऑल ऑफ द सडन आए लैंड किए उडुपी में, थोड़ा सा गूगल पे सर्च मारा नियर बाई होम स्टेज, तो उससे हमें मिला इनका रेफरेंस और हम यहाँ पहुँच गए। अच्छा, गर्म पानी वगैरह आता है वैसे? गीज़र एनी टाइम रहेगा? चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रू कलर ट्रैवल। देख के दिल खुश हो गया, अब अंदर भी आपको दिखाते हैं, आइए टूर कराते हैं आपको। ये हमारा ड्राइंग रूम रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं टीवी है, बहुत अच्छे से सजा रखा है, राइट, देखिए। और अब आगे देखते हैं हम क्या है। तो ये हमारा अटैच्ड कॉमन वॉशरूम है, राइट। तो वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है, अच्छे से मेंटेन्ड है, मिरर भी दे रखा है, राइट, हैं। फैमिली के लिए तो बहुत ही अच्छा है, वॉशरूम वगैरह अच्छा है, नीट एंड क्लीन। देन दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम, राइट। ये 2 BHK है बेसिकली, और इसमें AC भी लगा हुआ है, राइट। AC का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और ये आपका एक और है, यहाँ भी AC लगा हुआ है आपके लिए। कोई किचन भी दे रखा है, फ्रिज है, ओके, ग्लासेस हैं, सो कटलरी वगैरह भी दे रखा है। तो ये किचन RO लगा हुआ है पानी के लिए, क्या बात है। मिक्सी भी है, आप कुछ बनाना चाहो तो सब कुछ इन्होंने दे रखा है, यूटेंसिल्स वगैरह भी दे रखा है। और किचन यूसेज चार्जेबल, 500 पर डे का चार्जेस भी है, राइट। देन ये बैक साइड है हमारा, यहाँ का एक छोटा सा बैल्कनी भी है यहाँ,
राइट, बालकनी तो नहीं, मतलब छोटा सा स्पेस दे रखा है, वॉशिंग मशीन रख रखा है यहाँ, कपड़े वपड़े धोने, तो वॉशिंग मशीन भी है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब वर्थी कॉस्ट है जो हमने अभी पे किया है। सो आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा मैं। ये इंडक्शन स्टोव भी है। अच्छा, किचन का क्या 500 रुपीस पर डे का चार्जेस है? चार्जेस लेते हैं हाँ। जो जब बैचलर सब रहते हैं तब चार्ज। अच्छा, बैचलर्स वगैरह रहते हैं तो चार्जेस लेते हैं, वैसे नहीं है। फैमिली के साथ नहीं रहता, मतलब इन द सेंस कि बैचलर्स थोड़ा ज्यादा मेसी कर देते हैं उसके लिए। राइट 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 आपको मेनू कार्ड यहीं पे ओके खाने का क्या बात, मेनू कार्ड ये नंबर में कॉल करके विंध्य गेस्ट हाउस करके बताइए, ठीक है, आप सीधा इधर लेके आके देंगे। ठीक है अगर आपको कुछ चाहिए तो मेरा नंबर है यहाँ पे कॉल करें। अरे वाह, क्या बात है, नंबर तो ये आपका नंबर है, क्या बात है, थैंक यू। आपका नाम भूल गया मैं भरत है मेरा नाम। भरत, नाम भी बहुत अच्छा है भरत, क्या बात है। तो नेपाल में कहाँ से हैं आप वैसे? मैं नेपाल से पहाड़ी जिला से, तो पहाड़ी जिला में। पहाड़ी जिला कौन सा? उत्तराखंड नहीं, शुद्ध पश्चिमांचल बोलते हैं उसको। अच्छा, बजांग डिस्ट्रिक्ट का नाम। बजांग डिस्ट्रिक्ट का मेरे कुछ दोस्त भी हैं नेपाल से। हाँ जी, अच्छे मेरे दोस्त हैं, वो भी वीडियो देखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे हमारा वीडियो। मतलब ये ऊपर सेपरेट है? हाँ, ऊपर सेपरेट है, मतलब जैसे एक डाउन स्टेयर आपने बना रखा है, दूसरा कस्टमर का है। हाँ, अब यहाँ पे दूसरा पार्टी रहेंगे, ऊपर दूसरा गेस्ट रहेंगे, मतलब एक इंडिविजुअल आपने दे रखा है यूनिट। तो ऐसे कितने यूनिट है यहाँ? यहाँ पे आपको 20 घर मिलेगा। अच्छा, 20 घर मिलेगा भाई साहब तो यहाँ एक अभी लगभग आपका ऑक्यूपाइड है यहाँ सारा? हाँ, सब फुल है सर, सब ऑनलाइन बुकिंग होता है, ऑनलाइन बुकिंग होता है। यहाँ मेन्यू में आपका स्पेशल क्या है वैसे रात में? ओ, खाना यहाँ का तो स्पेशल फिश ही है। फिश ही है, तो फिश में क्या आइटम आपका बेस्ट है? जो आपको चाहिए वो घी रोस्ट मंगाते हैं। घी रोस्ट मंगाते हैं, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हम निकले हैं एक नाइट वॉक के लिए टू सी आसपास बीच साइड पे कैसा रौनक रहता है रात में। So let's take a walk. मेलपे बीच एंटर करते ही आपको स्ट्रीट साइड बहुत सारी दुकानें दिखेंगी, जिसमें से प्रोमिनेंटली बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको दिखेंगे, स्ट्रीट साइड वेंडर्स दिखेंगे, और फिश फ्राई के तो बहुत सारी दुकानें आपको दिखेंगी, जिसमें आप वेरी रीजनेबल रेट पे अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ फ़िश आप इंजॉय कर सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ फास्ट फूड्स वगैरह खाने हैं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बहुत सारी दुकानें हैं। वेजिटेरियन तो कमी है, सारे नॉन वेजिटेरियन दुकानें बहुत हैं, उस साइड भी देखते हैं अभी। हम रुके हैं एक फास्ट फूड कार्ट पे, यहाँ से हम अपने लिए ऑर्डर कर रहे हैं चाउमीन, और साथ में मैंने लिया है भांगड़ा फिश फ्राई पास की दुकान से। सो उदुपी का फूड एक्सप्लोरेशन जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। वैसे नूडल्स ज़्यादा वैसा नहीं लग रहा, मसालेदार, वैसे हक्का नूडल्स टाइप लग रहे हैं, है ना? आगे बताओ। कैसा अच्छा है? अच्छा, बॉडी डिफरेंट है हमारे वहाँ की। अच्छा, टेस्ट कैसा है? टेस्ट बिल्कुल चाइनीज है। चाइनीज है और स्पाइसी है? स्पाइसी नहीं, पेपर पाउडर डाला ऊपर से। ओके, तो वो हल्का सा स्पाइसी है। आ गए हैं बीच साइड, है ना? बाकी अभी अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखेगा, कल हम विजिट करेंगे। मेलपे बीच में कुछ शानदार बीच साइड रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज बने हुए हैं, और हमने भी अपना डिनर यहीं करने का सोचा है। वैसे यहाँ आके खाने का असली मज़ा दिन में है, क्योंकि तभी आपको समुंदर किनारे का शानदार नज़ारे देखने को मिलेगा। अब हम आए हैं ब्लू जोन कैफ़े, लेट्स सी यहाँ क्या ऑप्शन है खाने में। ये बिल्कुल बीच फ्रंट पे है मेलपे बीच के।
भैया कुछ है अभी अवेलेबल? प्राइस तो यहाँ का आपको मेन्यू में दिखा देता हूँ एक बार, और बाकी इतने सारे वेराइटीज हैं, रेट से डिसेंट। सो यहाँ जो फिश के ऑप्शंस है वो देखते हैं, और ये भैया हमें दिखाने के लिए लेके आए हैं जो फ्रेश फिश यहाँ अवेलेबल है रेस्टोरेंट पे। सो इसमें से जो हम चूज़ करेंगे वही वो बना के हमें खिलाएंगे। फ़िश फ्राई के लिए मैंने चूज़ किया पॉम्फ्रेट फ़िश, और यहाँ बेस्ट पार्ट है कि आपके सामने सामने फ्रेश फ़िश बनाया जाता है। लो जी आ गया हमारे फ़िश फ्राई, दिखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। इसके साथ हमने ऑर्डर किया है प्रॉन्स मसाला, वेज में ऑर्डर किया है चिली पनीर, साथ में नीर डोसा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिनर। टू गुड। अगर उदुपी आते हो तो होटल ब्लू जोन, ये रेस्टोरेंट ब्लू जोन ज़रूर विज़िट करें। मेलपे बीच पे है। लेट मी ट्राई दिस अब। थोड़ा सा पीस लेता हूँ, बहुत बड़ा हो गया मेरे लिए, पैक करा लेंगे। गर्मा गर्म है ये। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। जैसे हम घर पे बनाते हैं वैसा नहीं, बिल्कुल अलग है। बहुत ही वेल कुक्ड है, और गार्निशिंग आप देख सकते हैं ऊपर से। अदरक, काश आप नॉन वेज खाती होती तो आप भी बोलती कि वेज नहीं खाना आज के बाद, ये खा के। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, सीरियसली मतलब दिल खुश हो गया। तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ़िश खाना है उदुपी में, वो अब मुझे लग रहा पूरा हो गया वो एक्सपेक्टेशन, दिल खुश कर दिया इन्होंने। पिया पिया दिल तुझे दिया। क्या कर रहे है यार तू? तब मजाक है क्या? अरे मजा आ रहा है, समुद्री हवा मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है इन द होल वर्ल्ड, दैट्स बीच साइड। आप लोगों में से कौन कौन है जो बीच साइड को सबसे ज्यादा पसंद करता है? मतलब अगर वेकेशन में ऑप्शंस मिले तो बीच विल बी प्रिफर्ड, राइट? तो ऐसे कौन कौन है, डू कमेंट कौन से बीच में आप जाना चाहोगे, राइट? और कर्नाटका में बहुत अच्छे अच्छे बीचेस हैं, सो कुछ हम उदुपी के एक्सप्लोर करेंगे, बाकी देखते हैं आगे कहाँ कहाँ हम जा पाएंगे विद द, इफ़ आवर टाइम परमिट्स हम गोकर्णा भी जाने की कोशिश करेंगे, राइट? तो थोड़ी देर हम मज़ा लेते हैं इस हवा, समुद्री हवा और इन लहरों के मधुर आवाज़ की, और थोड़े से अपने आप को री एनर्जाइज करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है गाइस? सो अब मिलेंगे, कल ही मिलेंगे, कल ही लाइव करेंगे, सो गुड नाइट फॉर नाउ, कल सुबह मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय।